नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है एक और एक्साइटिंग नए वीडियो में। ये है Realme 6i और आज हम करने वाले हैं इसी फ़ोन का गेमिंग टेस्ट। तो यहाँ पर मैं आपको पबजी गेम खेल के दिखाऊंगा कैसा इसमें परफॉर्मेंस देखने को मिलता है, और इसी के साथ साथ हम इसमें हीटिंग इशू भी चेक करेंगे और जो बैटरी ड्रॉप है वो भी हम चेक करेंगे। तो आप इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना और शुरू से लेकर अंत तक देखते रहना। और मैं Realme 6i के ऊपर और भी वीडियो बना चुका हूँ, जैसे कि इसका अनबॉक्सिंग वीडियो या फिर कैमरा टेस्ट। तो अगर आपको उन सारे वीडियो को देखना है तो ऊपर आई बटन में और वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। तो चलिए पबजी गेम को खेल के देखते हैं इसमें आपको कैसा परफॉर्मेंस देखने को मिलता है। तो यहाँ पर मैं Jio Fi से इस फ़ोन को कनेक्ट कर चुका हूँ। तो चलिए हम अभी जो पबजी गेम है इसको ऑन कर लेते हैं। तो हार्डवेयर की बात करें तो Realme 6i पे आपको मिलता है Helio G90T का CPU और इसके साथ आपको मिलता है Mali का G76 MC4 GPU। और जो यहाँ पर रैम यूज़ किया गया है वो है LPDDR4X रैम, और इसी के साथ साथ जो स्टोरेज है वो है UFS 2.1। और यहाँ पर मैं जो फ़ोन यूज़ कर रहा हूँ ये 4GB रैम और 64GB का वेरिएंट है। तो ये देखिए पबजी गेम अभी लोड हो चुका है। तो सबसे पहले हम सेटिंग को चेक कर लेते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो इसमें आपको स्मूथ ग्राफिक्स में मैक्सिमम अल्ट्रा तक फ्रेम रेट देखने को मिलता है। और अगर मैक्सिमम ग्राफिक्स की बात करें तो इसमें आपको मैक्सिमम HD और हाई सेटिंग देखने को मिलता है। इसके बाद आपको बैलेंस्ड और स्मूथ में अल्ट्रा फ्रेम रेट देखने को मिलता है। तो अभी मैं इसको HD और हाई सेटिंग में खेलने वाला हूँ, और इसी के साथ साथ जो एंटी अलाइजिंग है इसको मैं ऑन कर देता हूँ, और जो ऑटो एडजस्ट ग्राफिक्स है इसको मैं डिसेबल कर दिया हूँ। तो पहले हम एक वार मैच खेल के देखते हैं कि कैसा इसमें परफॉर्मेंस देखने को मिलता है। तो अभी गेम स्टार्ट हो चुका है। तो जो टाइमिंग है आप यहाँ पर देख सकते हो, और जो बैटरी परसेंटेज है वो अभी 66% पे है। तो चलिए गेम को खेल के देखते हैं। तो इनिशियली कैमरे के साइड पे यहाँ पर थोड़ा सा गर्म मुझे यहाँ पर लग रहा है। तो हाई सेटिंग में गेम तो अच्छा चल रहा है लेकिन मुझे उतना मज़ा नहीं आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर मैक्सिमम आपको हाई फ्रेम रेट देखने को मिलता है। तो अभी हम कुछ टाइम तक गेम खेल चुके हैं और अभी जो बैटरी परसेंटेज है वो अभी 63% पे है, और कैमरा के साइड पे और जो लोगो है इसके साइड पे मुझे यहाँ पर थोड़ा सा हीट फील हो रहा है। तो HD ग्राफिक सेटिंग में आप इसको खेल सकते हो लेकिन आपको यहाँ पर मैक्सिमम हाई फ्रेम रेट देखने को मिलता है। तो अभी मैं इसको स्मूथ ग्राफिक्स पे सेट कर देता हूँ और इसको मैं अल्ट्रा फ्रेम रेट पे सेट कर देता हूँ। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं। तो अभी ये गेम चल रहा है स्मूथ ग्राफिक सेटिंग पे, और अभी जो गेम प्ले है मुझे काफ़ी स्मूथ यहाँ पर लग रहा है। तो अभी हम इतने टाइम तक गेम को खेल चुके हैं और अभी जो बैटरी परसेंटेज है वो 61% पे है, और जो फ़ोन का पीछे का साइड है वो काफ़ी ज़्यादा गर्म हो चुका है। और क्योंकि MediaTek Helio G90T एक 12 नैनोमीटर का चिपसेट है, इसलिए आपको यहाँ पर हीटिंग इशू देखने को मिल सकता है। ओवरऑल जो गेम है काफ़ी अच्छा चल रहा है, और यहाँ पर अगर आप स्मूथ और अल्ट्रा सेटिंग पे खेलेंगे तो आपको काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा, लेकिन अगर आप इसको HD ग्राफिक सेटिंग पे खेलेंगे तो आपको उतना मज़ा नहीं आएगा। इसीलिए मेरा सजेशन ये है कि आप हमेशा इसको स्मूथ और अल्ट्रा पे खेलिए, आपको काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा। लेकिन अगर आप ज़्यादा देर तक गेम खेलते हो तो ऐसे सिचुएशन में फ़ोन काफ़ी ज़्यादा हीट अप हो जाएगा, और इसकी वजह से आपको थर्मल थ्रॉटलिंग देखने को मिल सकता है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा।
ओवरऑल ये जो फ़ोन है काफ़ी अच्छा है गेमिंग के लिए, और जो बैटरी ड्रॉप है वो भी काफ़ी नॉर्मल है, तो आपको ज़्यादा बैटरी का रिलेटेड कोई प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगा। ओवरऑल अगर आप गेमिंग के लिए एक बजट फ़ोन को ढूंढ रहे हो तो ये जो फ़ोन है काफ़ी अच्छा है। तो बस आज के लिए सिर्फ इतना ही। आपको कैसा लगा आज का ये वीडियो आप ज़रूर बताइए नीचे कमेंट बॉक्स में। अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन हो या फिर कोई भी सजेशन हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलना। अगर आपको इस फ़ोन के रिलेटेड और भी वीडियोस देखना है तो ऊपर आई बटन में और वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और दोस्तों के साथ शेयर करना, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ पास वाला जो बेल आइकन है उसको भी आप दबा दीजिए। फिर मिलता हूँ मैं एक और एक्साइटिंग नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।